हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुबेश है और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल यूजिंग जावा। जी हाँ, हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड, दैट मीन्स HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो मैं फॉर्म को थोड़ा अच्छा लगने के लिए यहाँ पे यूज़ करूँगा मटेरियलाइज CSS। एक लाइब्रेरी है CSS की, जिसकी हेल्प से आप डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। तो हम ये यूज़ करेंगे फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर हमने एक फॉर्म बनाया है जिसमें मैंने तीन फील्ड लिए, नेम, पासवर्ड एंड ईमेल। और इन सारी फील्ड को मैं क्या करूँगा, डेटाबेस में सेव कराऊँगा यूजिंग जावा। और यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड इमेज यूज़ किया। तो ये फॉर्म हम बेसिकली बनाने वाले हैं। और हम लोग क्या करेंगे, इसके सबसे पहले वर्किंग देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नाम लूँगा और यहाँ पे एक पासवर्ड लूँगा और यहाँ पे एक ईमेल लूँगा। और जैसे हम क्या करेंगे, इस बटन को ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, बूम, यहाँ पे देखिए ये मुझे दिखा रहा प्लीज़ वेट। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे होगा क्या कि ये मुझे एक मैसेज दे देगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और आपको ये फिर से फॉर्म ओपन कर देगा जिससे कि आप लोग नए यूज़र के लिए फिर से ट्राई कर सकते हो। तो ये बेसिकली हम लोग बनाने वाले हैं इस वीडियो में। और हम लोगों ने क्या किया है कि बैकएंड में यूज़ किया जावा। तो जो आपने डिटेल्स यहाँ पे इनपुट कराई थी, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ये तीनों चीज़ें आपके डेटाबेस में सेव हो चुकी हैं। इसका मतलब ये इस बंदे की डिटेल जा चुकी है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा इजी रखना था तो मैंने यहाँ पे सिर्फ तीन ही फील्ड ली है। मैंने सिर्फ डेमो पर्पस के लिए बनाया है, ये कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे सिर्फ मैंने सिखाने के पर्पस से इस मॉड्यूल को बनाया है। और इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ अजैक्स यूज़ कर रहा हूँ और जावा यूज़ कर रहा हूँ बैकएंड प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बनाने वाले, देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो इसीलिए मैंने वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल 1 एंड रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल 2। और हम लोग करेंगे क्या कि रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल 1 में पूरा बनाएंगे फ्रंट एंड, ये फॉर्म बनाएंगे, ये बैकग्राउंड वगैरह बनाएंगे। और रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल 2 वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बैकएंड की सारी कोडिंग करेंगे, डेटाबेस में टेबल बनाएंगे और हम लोग जावा का सर्वलेट बनाएंगे और सर्वलेट की हेल्प से डेटा फेच करेंगे और JDBC की हेल्प से डेटा को हम लोग सेव करा देंगे डेटाबेस में, और फिर हम लोग मैसेज वगैरह भी दे देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जो फ्रंट एंड का ये जो मटेरियल डिज़ाइन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इस चीज़ पे मैंने एक पूरी वीडियो बना के रखी है यहाँ पे, क्रिएट अ कम्प्लीट एंड ब्यूटिफुल वेबसाइट यूजिंग मटेरियल CSS इन हिंदी। तो इसको आप लोग देख सकते हो। इससे होगा क्या, जब ये चीज़ आप लोग देख लोगे वीडियो, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा मटेरियल CSS को कैसे यूज़ करना है। इस वीडियो में तो हम लोगों ने एक पूरी वेबसाइट बनाई थी, तो आप इसको देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म बनाना सीख लीजिए, आप मटेरियल CSS से वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर दबा दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मिल जाए। और यहाँ पे हम लोग अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल करेंगे, उसके बाद लॉगिन मॉड्यूल करेंगे, और उसके बाद दोनों को अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।